आज हम लोग क्लास 11 पाठ संबंध और फलन की प्रश्नावली 2.2 करेंगे। तो इसके अंतर्गत देखिए पहला प्रश्न है, इसके अंतर्गत देखिए पहला लिखा है समुच्चय ए दिया है जिसमें 1 से लेकर ये 14 तक इसके अवयव हैं, और एक संबंध दिया हुआ है। तो देखिए क्या लिखा है, इसमें लिखा है यक्स और वाई इस प्रकार क्रमित युग्म है कि 3x - y बराबर 0, और जहाँ यक्स और वाई दोनों ए के अवयव हैं। ठीक ना, यक्स और वाई दोनों ए के ही समुच्चय, इसी से लिया गया है, इसी समुच्चय ए से, द्वारा ए से ए का संबंध आर लिखिए। ठीक ना, और इसके प्रांत और सह प्रांत और परिसर लिखना है। तो हमको इसमें आर लिखना है। तो इसमें देखिए इस क्या ये क्या सम ये क्या दिया हुआ है, लिखा है इसमें 3x - y बराबर 0। तो इससे हमको y बराबर 3x प्राप्त हुआ। इसका मतलब अगर हम x का मान रखेंगे यहाँ पर तो उसके संगत y का मान ज्ञात होगा, और हम यक्स का मान कहाँ से कहाँ तक रख सकते हैं, 1 से लेकर 14 तक, और जो हमको वाई का मान ज्ञात होना चाहिए वो भी 1 से लेकर 14 तक ही होना चाहिए। ठीक ना, देखिए ए से ए में है संबंध, तो हम एक बार और एक लिख ले हैं इस प्रकार ये 14। ठीक ना, तो मतलब हमको यक्स का मान, देखिए यक्स और वाई दोनों ए में ही है, तो यक्स मान देखिए यक्स यहाँ से 14 तक आ सकता है, और जो y का मान, ये जो y का मान आना है वो भी 1 से 14 तक में ही होना चाहिए। देखिए तो इसमें देखिए क्या रखेंगे, देखिए एक एग्जाम्पल बता देते हैं। देखिए पहले अगर x का मान 1 रखेंगे तो देखिए y का मान कितना आएगा, 3 × 1 = 3 आया, मतलब 1 3 प्राप्त हो गया। फिर x का मान 2 रखेंगे तो y का मान आ जाएगा 3 × 2 = 6, मतलब 2 6 आएगा। ठीक ना, तो इस प्रकार रखते चलेंगे। तो देखिए x का मान 3, तो y का मान 3 × 3 = ये 9 आया। x का मान 4 आया रखेंगे तो y का मान 3 × 4 = ये 12 आया। तो ये आ गया 3 9 4 12, और ये x बराबर 5 रखते हैं तो y का मान 3 × 5 = ये 15 आया। तो देखिए x का मान ठीक 5 ठीक है, ये y का मान देखिए 15 आ गया, मतलब हमको जो 1 से लेकर 14 तक दिया था वो उसके बाहर चला गया। तो इस प्रकार हमको जो ये क्रमित युग्म प्राप्त हो रहा है ये नहीं होगा। ठीक ना, तो इस प्रकार हमको देखिए r क्या प्राप्त हुआ, तो r बराबर 1 3 2 6 3 9 और 4 12 आया। ठीक ना, तो इस प्रकार ये रिलेशन हमको प्राप्त हो गया। तो ये हो गया r। अब इसमें हमको ज्ञात करना प्रांत, तो प्रांत लिखेंगे। प्रांत क्या होता है, जो आर प्राप्त हुआ है इसके क्रमित युग्मों के प्रत्येक पहले घटक का अगर हम समुच्चय बनाए, है ना, प्रत्येक पहला पहला जो घटक है ना उनको हम लिखेंगे, तो ये समुच्चय ये प्रांत प्राप्त हो जाएगा 1 2 3 और 4। ठीक ना, प्रत्येक क्रमित युग्म का पहला घटक के समुच्चय को प्रांत बोलते हैं। इस प्रकार देखिए अब क्या लिखा है, सह प्रांत और परिसर, तो हम पहले परिसर लिख लेते हैं। तो देखिए परिसर क्या है, तो परिसर इसके द्वितीय घटक, ये जैसे 3 है 6 है 9 है 12, तो इनका अगर समुच्चय बनाएंगे तो वो परिसर ज्ञात हो जाएगा। तो 3 6 9 और 12। ठीक ना, तो अब क्या लिखा है सह प्रांत, तो सह प्रांत देखते हैं। तो सह प्रांत क्या होता है, देखिए सह प्रांत इसको देखिए बोलते हैं डोमेन, इसको रेंज, इसको को डोमेन। ठीक ना, इंट्रोडक्शन में हमने बताया है।
तो सह प्रांत क्या हुआ, तो हमने बोला था कि समुच्चय बी है ना संबंध आर का सह प्रांत होता है। मतलब अगर हम संबंध लिख रहे हैं इसमें ए टू बी है ना, समुच्चय ए के अवयवों से संबंध समुच्चय बी के अवयव में अगर हम संबंध लिख रहे हैं तो ये जो समुच्चय बी होता है यही इसका सह प्रांत है ना, संबंध का सह प्रांत कहलाता है। तो इस प्रकार हमको सेट बी प्राप्त हुआ। और सेट बी देखिए यहाँ पर भी सेट ए और ए है, मतलब हमको ये इस प्रकार दिया हुआ है, रिलेशन ए टू बी ए टू ए दिया हुआ है ठीक ना। तो यहाँ दूसरा जो समुच्चय है वो भी ए ही है, तो इस प्रकार यहाँ पर हमको ए प्राप्त हो गया। और ए है क्या, तो हम चाहें तो इसको हम यहाँ से एक दो तीन और इस प्रकार ये हम पूरा सेट लिख सकते हैं ठीक ना। तो इस प्रकार प्रांत परिसर और सहप्रांत प्राप्त हो गया। तो प्रश्न नंबर एक हो गया, अब प्रश्न नंबर दो देखते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर दो है प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय पर। तो प्राकृतिक संख्या होना चाहिए, तो देखिए हमको रिलेशन दिया हुआ है यन से यम में ठीक ना। यहाँ दोनों क्रमित युग्म के प्रथम पहले घटक और दूसरे घटक भी हमको प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए ठीक ना। लिखा है सभी प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय पर। देखिए रिलेशन एक डिफाइन किया हुआ है, तो रिलेशन लिख लेंगे यही संबंध यक्स और वाई इस प्रकार क्रमित युग्म है कि वाई बराबर यक्स प्लस वाई और यक्स संख्या चार से कम एक प्राकृत संख्या है ठीक ना। और इसमें यक्स वाई प्राकृतिक संख्या के अवयव हैं या घटक हैं ठीक ना। तो हमको क्या लिखना है इसमें, द्वारा एक संबंध R परिभाषित है, इस संबंध को पहला लिखा है देखिए रोस्टर रूप में इसके प्रांत और परिसर को लिखना है। तो इसको हम देख लेते हैं, पहला मतलब इसमें लिखना पहले रोस्टर रूप में लिखना है ठीक ना। तो देखिए R है, इसमें कैसा क्रमित युग्म है, देखिए यक्ष का मान देखिए चार से कम होना चाहिए ठीक ना। यक्ष संख्या चार से कम है, इसका मतलब यक्ष का मान क्या हो सकता है, तो यक्ष का मान एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है ठीक ना। चार के बराबर भी नहीं होगा, कम होगा। तो जब हम यक्ष का मान ये सब रखेंगे तो उसके संगत वाई का भी मान ज्ञात हो जाएगा। तो लिखेंगे देखिए वाई का मान एक, देखिए यक्ष का मान एक रखने पर यक्ष बराबर एक पर वाई बराबर देखिए कितना आ जाएगा, हम इसको डायरेक्ट आर लिख लेते हैं आर। तो इसके अंदर देखिए पहले अगर x का मान एक रखेंगे तो y का मान छः आ जाएगा, तो एक छः और यहाँ दो रखेंगे तो सात और तीन रखेंगे तो ये पाँच तीन आठ हो जाएगा ठीक ना। तो इस प्रकार r हमको प्राप्त हो गया। तो इसमें देखिए क्या निकालना है, प्रांत निकालना है। तो प्रांत क्या होता है, देखिए प्रांत क्या है, प्रांत ये है कि इसमें जैसे जो हमको r प्राप्त हुआ इनके जितने भी क्रमित युग्म प्राप्त हुए हैं इसके सभी प्रथम घटकों के समुच्चय बना लेंगे तो प्रांत हो जाएगा। तो देखिए इसका पहला घटक हम यहाँ पर लिख लेंगे एक दो तीन ठीक ना। और परिसर क्या होता है, तो परिसर होता है इनके द्वितीय घटक का समुच्चय है ना, दो दो दूसरा घटक जो है इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर, तो छः सात ये आठ, तो परिसर ज्ञात हो गया। देखिए इस प्रकार प्रश्न नंबर दो हो गया, अब प्रश्न नंबर तीन करेंगे। देखिए प्रश्न नंबर तीन में है एक समुच्चय दिया हुआ है एक दो तीन पाँच और बी दिया है चार छः नौ। ए से बी में एक संबंध दिया है ना, रिलेशन ए टू बी में दिया हुआ है। क्या दिया है, R देखिए लिखा हुआ है एक्स वाई ऐसे क्रमित युग्म है कि यक्स और वाई का अंतर विषम है ना, विषम संख्या आएगी, विषम
है और x अवयव है a का और y अवयव है b का, ठीक ना। तो देखिए क्या रिलेशन आएगा, देखिए इसको हमको अंतर ज्ञात करना है। तो अंतर का मतलब ये नहीं होता कि एक में से चार घटाएंगे, है ना, एक में से चार नहीं, ये देखिए कोई भी दो संख्या होनी चाहिए, ठीक ना। जैसे अगर दो है और यहाँ सात है तो हमको दो में से सात नहीं घटाएंगे, हम बस देखेंगे इनके बीच में अंतर कितने का है, मतलब सात और दो में का अंतर पाँच का है ये, ठीक ना। तो अंतर ऐसे होता है, ठीक ना। तो इस प्रकार अंतर हमें सात में दो गया तो पाँच, तो ये अंतर कहलाता है। तो हमको देखेंगे, हमको पहले देखिए यहाँ पर पहला जो होता है वो एक समुच्चय से होता है, है ना, समुच्चय ए का घट इसमें अव्यय होगा। देखिए एक में अगर चार घटाएंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, तीन आएगा, ठीक है। मतलब एक और चार का अंतर है ना, एक में से चार नहीं घटा रहे हैं हम, केवल घटाएंगे बड़ी संख्या में ही छोटी का, ठीक ना। हम केवल बता रहे हैं कि एक से लेकर एक और चार के बीच में अंतर कितने का है, तो बोलेंगे तीन, और तीन क्या है, ये विषम संख्या है, इसलिए हमको एक और चार यहाँ हम लिख सकते हैं। फिर एक और छः का अंतर कितना होगा, पाँच का होगा, जो विषम संख्या है, इसलिए हमने इसको लिख लिया। एक और नौ का अंतर कितना होगा, आठ होगा, तो आठ हम नहीं लिखेंगे इसको, ठीक ना। एक से चार के बीच में अंतर तीन, एक में छः का मतलब सिंपल हम घटा लेंगे, छः में एक गया पाँच, जो विषम संख्या है, तो इसलिए हम इसको लिख ले रहे हैं, यहाँ छः लिखा आएगा, ठीक ना। यहाँ से देख लेते हैं, देखिए एक और चार का अंतर कितना है, तीन का, तो तीन जो विषम संख्या है, इसलिए हमको एक और चार हमने लिख लिया। एक और छः का अंतर पाँच है, जो विषम संख्या है, इसलिए हम एक और छः को लिख लिए। एक और नौ का अंतर आठ है, तो जो विषम संख्या नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं लिखेंगे। अब एक का बी के सबका हो गया, अब दो से देखेंगे, दो और चार का अंतर दो, तो सम संख्या, इसलिए नहीं लिखेंगे। दो और छः का अंतर चार है, तो नहीं लिखेंगे। दो और नौ का अंतर सात है, ठीक ना, सात आया, तो जो विषम संख्या है, इसलिए हम इसको दो और नौ लिख लेंगे। फिर तीन से चेक करेंगे, तीन और चार का अंतर, मतलब चार में से तीन गया एक, जो विषम संख्या है, इस प्रकार हम चार और तीन और चार लिखेंगे। देखिए इसको आप चार और तीन नहीं लिखिएगा, ठीक ना, क्योंकि ये हमको डिफाइंड है कि जो क्रमित युग्म है, तो क्रमित युग्म में यहाँ पर ये x होगा और ये y होगा, ठीक ना। और x क्या होना चाहिए, a से ही आना चाहिए, तो a से आना चाहिए, तो इसलिए ये चार हमको देखिए a में नहीं दिख रहा है, इसलिए इसका क्रम गड़बड़ हो जाएगा, तो इस प्रकार आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए पहला घटक जो होना चाहिए वो समुच्च ए से ही आना चाहिए, और दूसरा जो है वो समुच्च बी से होना चाहिए, ठीक ना। इसलिए अब देखिए तीन और चार हो गया, तीन और चार का अंतर एक होता है, इसलिए हमने तीन और चार लिख लिया। तीन और छः का अंतर तीन होता है, ठीक ना, जो विषम संख्या है, इसलिए हम तीन और छः को भी लिख लेंगे। तीन और नौ का अंतर, और तीन और नौ का अंतर छः, छः जो सम संख्या है, इसलिए इसको नहीं लिखेंगे। पाँच और चार का अंतर एक होता है, इसलिए पाँच और चार का अंतर लिख लिया। और पाँच और छः का अंतर एक होता है, इसलिए पाँच और छः भी लिखा जाएगा। और पाँच और नौ का अंतर चार होता है, जो सम संख्या है, तो हम इसे नहीं लिखेंगे। तो इस प्रकार हमको ये आर प्राप्त हो गया। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमको प्रांत और परिसर नहीं पता करना है, फिर भी हम यहाँ लिख लेते हैं कि प्रांत क्या होगा। तो प्रांत क्या होता है, इन क्रमित युग्मों क्या, जो पहला घटक है उनको सबको एक समुच्च में लिखेंगे, है ना। पहले घटक का समुच्च ही प्रांत कहलाता है। तो इसमें देखिए एक एक, तो एक हो गया, दो तीन और ये पाँच, तो इस प्रकार प्रांत प्राप्त हो गया। परिसर क्या हो जाएगा, तो परिसर होगा द्वितीय घटकों का समुच्च, तो चार छः चार छः चार छः, तो चार और ये छः हो गया, ठीक ना। पुनरावृत्ति नहीं होती है, तो चार अगर दो जो हैं, देखिए ये है चार, यहाँ चार और यहाँ चार, तो इसको बदले एक बार ही लिखेंगे। छः छः के बाद यहाँ भी देखिए छः छः आ गया और ये छः, तो इसके बदले हम एक बार लिख लिया। देखिए यहाँ नौ छूट रहा था, नौ लिख लिया, तीनों हो गया, तो द्वितीय घटक सबका लिख लिया। अब देखिए इसमें इस प्रकार ये प्रांत और परिसर प्राप्त हो गया, वन टू थ्री फाइव, वन टू थ्री फाइव, ठीक ना। अगर इसका हम सह प्रांत ज्ञात करें
तो सह प्रांत क्या हो जाएगा, तो समुच्च दूसरा जो समुच्च होता है ए टू बी में है तो बी वाला समुच्च हो जाएगा पूरा, ये बी हो जाएगा। तो बी का क्या है 4, 6 और 9। तो इस प्रकार हमने प्रांत परिसर और सह प्रांत भी ज्ञात कर लिया। तो प्रश्न नंबर 3 हल हो गया। अब प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 में है आकृति दिया है, ये आकृति हम बना लेते हैं यहाँ पर। ये तीर आरेख बना है ना, एरो डायग्राम इसको कहते हैं। एक समुच्च है, ये समुच्च क्यू दिया है, इसमें है 3, 4 और 5। इसका 3 का 5, 5 का 3 से, 6 का 4 से और 7 का 5 से मैपिंग किया हुआ है। तो इसमें लिखा है संबंध है, इसको समुच्च निर्माण रूप में लिखना है हमको, ठीक ना। तो समुच्च निर्माण रूप में लिख लेंगे इसको। तो देखिए समुच्च निर्माण रूप में लिखना है इसको, तो समुच्च निर्माण रूप में लिखे इसके संबंध को लिखते हैं। देखिए यक्स और वाई इस प्रकार क्रमित युग्म है कि देखिए इसको देख के लग रहा है कि ये देखिए ये रहा यक्स और ये रहा वाई, ठीक ना। तो यक्स में से अगर 2 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, 6 में 2 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, 7 में 2 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक ना। मतलब वाई क्या है, वाई यक्स से 2 कम है, ठीक ना। वाई ये वाला जो है वाई इस वालों से 1, 2, 2 कम है। तो यक्स का मान जो रखेंगे क्या रखेंगे, 5 रखेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, ये आ गया। और इसी प्रकार अगर 7 में 2 घट कम करेंगे तो 5 आ जाएगा, तो ये हमारा बन गया। इसमें लिखेंगे यक्स अवयव है P का और वाई अवयव है Q का, ठीक ना। तो ये हमने समुच्च निर्माण रूप में लिख लिया, ठीक ना। तो पहला भाग हो गया समुच्च निर्माण रूप में। रोस्टर रूप में लिखेंगे तो इसमें रोस्टर रूप में बहुत सरल है, देखिए 5 का 3 के संग, तो 5 का 3, 6 का 4 और 7 का 5 हो गया, ये हो गया। अब इसका क्या निकालना है, प्रांत और परिसर, तो थर्ड भाग में है। तो प्रांत क्या है, तो प्रांत लिखेंगे इस संबंध के पहले घटक के समुच्च में लिखेंगे 5, 6, 7, 5, 6, 7 और परिसर द्वितीय घटकों का समुच्च, तो 3, 4 और 5, ठीक ना। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 4 हो गया। अब प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। ये प्रश्न नंबर 5 में है, मान लीजिए कि ए, इसमें ए बराबर दिया है 1, 2, 3, 4, 6, ठीक ना, इसमें 5 नहीं है। मान लीजिए आर ए पर, देखिए लिखा है ए पर क्या है, ये संबंध दिया हुआ है आर, ऐसे ए और बी ऐसे क्रमिक युग्म है जिसमें ए और बी दोनों ए में हैं, है ना, ए से हैं। और संख्या ए संख्या बी को, संख्या बी को यथावत विभाजित करती है, है ना। तो इसमें देखिए क्या है कि संख्या ए संख्या बी को विभाजित करती है, मतलब हमको बी बटे ए लिखना है, ठीक ना। बी को ए विभाजित करता है, मतलब इसको ये पहला वाला विभाजित करेगा, ठीक ना। हम ऐसा सेट बनाएंगे, यहाँ लिख लेते हैं। तो देखिए इसमें हम ए का ए में संबंध है ना, रिलेशन क्या दिया है, ए टू ए में दिया है, ठीक ना। तो ए समुच्च है और एक समुच्च हम ए का और लिख लेते हैं ताकि हमको सरल करने में आसानी पड़े। तो अब सबसे पहले चेक करेंगे हम ए का, और देखिए इसका क्रमित युग्म बनाएंगे तो इस समुच्च का इन सभी समुच्चों के संग क्रमित युग्म बनेगा, फिर इसका इन सबों के संग बनेगा। तो हम इस तरह चेक करेंगे सबका। तो देखिए पहले इन दोनों का देखिए, अगर हम एक को चेक करें तो एक एक से ही कटेगी केवल, है ना, एक संख्या दो से तो कटेगी नहीं, मतलब कोई संख्या अपने बड़ी से तो कटना नहीं उसको, तो एक संख्या एक से कटेगी, तो इस ये ठीक ना। तो हमने यहाँ लिख लिया एक एक लिख लिया। अगर हम दो की बात करें तो दो संख्या एक से भी कटेगी और दो से भी कटेगी, अपने आप से भी कटेगी। तो इस प्रकार
यहाँ एक एक लिख लिया और ये हो जाएगा एक दो हो जाएगा और दो दो हो जाएगा, ठीक ना। अब तीन को चेक करेंगे तो तीन एक से कटेगा और तीन अपने आप से, तो इस प्रकार ये हो जाएगा एक तीन और तीन तीन। और अगर चार को चेक करेंगे तो चार एक से कटेगा, चार दो से कटेगा, चार चार से कटेगा, तो इस प्रकार क्रमित युग्म क्या आएगा, एक चार दो चार और चार चार, ठीक ना। मतलब इस चार को एक काटेगा, है ना, तो ये बी है और ये ए है, चार को दो काटेगा इसलिए दो इधर है और चार है, ठीक ना। ये वाली संख्या इसको विभाजित करेंगे, ठीक ना, इसको क्रम याद रख ठीक से याद रखिएगा। अब इसमें छः है तो अगर छः को बात करें तो छः एक से कटेगा, छः दो से कटेगा, छः तीन से कटेगा, चार से नहीं कटेगा, छः छः से कटेगा। तो इस प्रकार इसका क्रमित युग्म देखिए इसके आगे लिख लेते हैं, एक छः दो छः और तीन छः और छः छः, ठीक ना। तो इस प्रकार ये आर हमको प्राप्त हुआ, तो ये हो गया आर हो गया, हमने रोस्टर रूप में लिख लिया इसका। अब इसमें सेकंड नंबर है इसका प्रांत और परिसर ज्ञात करना है, तो लिखिए प्रांत, प्रांत प्रथम घटक लिख लेते हैं, देखिए वन वन एक बार लिखा, टू वन है तो कोई बात नहीं पुनरावृत्ति नहीं करेंगे, थ्री वन है लिख लिया है, टू भी लिख लिया है, फोर नहीं लिखा था फोर लिख लेते हैं, वन लिखा हुआ है, टू लिखा हुआ है, थ्री लिखा हुआ है और सिक्स नहीं लिखा हुआ है, तो ये हमने सिक्स लिख लिया। थर्ड में निकालना है इसका परिसर, तो द्वितीय घटक को लिख लेते हैं यहाँ पर, तो एक दो तीन चार छः, एक दो तीन चार छः, तो इसका परिसर ज्ञात हो गया। तो ये दोनों भाग हो गया, हाँ दोनों भाग तीनों भाग हो गया, प्रश्न नंबर पाँच हो गया। प्रश्न नंबर छः देखते हैं, प्रश्न नंबर छः में है एक संबंध है x और x प्लस फाइव, इस प्रकार है कि x अवयव है जीरो वन टू थ्री फोर फाइव, ठीक ना, ये दिया हुआ है x का मान जीरो से लेकर पाँच तक रखना है। परिभाषित संबंध R के प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए, तो हम पहले संबंध इसको पहले टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक ना, रोस्टर रूप में देख लेते हैं। तो यदि हम देखिए x का मान अगर हम जीरो रखें तो ये हमको जीरो प्राप्त हुआ और जीरो प्लस फाइव फाइव प्राप्त हुआ, ठीक ना। फिर वन अगर हम रखें तो वन रखेंगे तो यहाँ पर सिक्स प्राप्त होगा, इसी प्रकार अगर हम टू रखें तो ये सेवन प्राप्त होगा और थ्री रखें तो आठ और चार रखेंगे तो नौ आएगा और पाँच रखेंगे तो दस आया, ठीक ना। तो इसका हमने आर प्राप्त हो गया। अब इसका हम प्रांत और परिसर ज्ञात कर लेते हैं, तो प्रांत होगा शून्य एक दो तीन चार पाँच और परिसर हो जाएगा पाँच छ सात आठ नौ दस। तो प्रश्न नंबर पाँच छः होल हल हो गया। अब प्रश्न नंबर सात देखते हैं, प्रश्न नंबर सात में है R दिया है, देखिए संबंध है R इस प्रकार है कि x और x क्यूब, है ना, x संख्या दस से कम एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। तो इसमें हम देखेंगे, देखिए यक्ष ना एक अभाज्य संख्या है, तो 10 से कम कौन कौन सी अभाज्य संख्या है वो हमारा यक्ष का मान हो जाएगा। देखिए दो है, तीन है, पाँच सात आठ नौ नहीं होती 10, तो इस प्रकार हमको ये चार अभाज्य संख्या 10 से कम प्राप्त हुआ, ठीक ना। दो हो गया, तीन पाँच सात आठ नौ दस, देखिए ये अभाज्य संख्या नहीं होती। तो अगर हम यक्ष का मान रखेंगे तो हमको ये रोस्टर रूप में आर पता चल जाएगा। देखिए यक्ष का मान अगर हम यहाँ दो रखें
तो x का मान 2 की घात 3 मतलब 8 प्राप्त हो गया। फिर अगर हम 3 रखेंगे तो 3 के घात 3 मतलब 27, और अगर 5 रखेंगे तो 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 की घात 3 मतलब 5 को 3 बार गुणा कर, तो 125 प्राप्त हुआ। फिर अगर हम यहाँ 7 रखेंगे तो 7 का घन है ना क्यूब कितना होता है, तो 343 होता है। तो इस प्रकार हमको प्रश्न नंबर 7 का लिख लिया हमने, रोस्टर रूप में ही लिखना था। अब प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 8 है, मान लीजिए ए, देखिए ए कितना दिया है, एक्स वाई और जेड, और बी दिया है 1 और 2। तो लिखा है ए से बी के संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो ए से बी के संबंध की संख्या ज्ञात करनी हो तो देखिए इसमें हमने देखा एन ए है ना, एक समूच में अवयवों की संख्या कितनी है, 1, 2, 3, और एन बी, बी समूच में अवयवों की संख्या 2 है। तो हमको ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या कितना प्राप्त हो जाएगी, 3 गुणे 2 मतलब ये 6 प्राप्त हो गई। तो अगर हम इसके सभी संबंधों की संख्या ज्ञात करें तो लिख लेंगे संबंधों की संख्या, संबंधों की संख्या ये होता है ए क्रॉस बी है ना, ए क्रॉस बी के जितने भी उपसमुच होंगे उन सबों की संख्या ही या संबंधों की संख्या होती है। और उसको कैसे निकालते हैं, 2 के घात ये जो 6 आया वो हमने लिख लेंगे। तो इस प्रकार 2 की घात 6 मतलब 64, तो 64 संबंधों की संख्या 64 हमें प्राप्त हो जाएगी, ठीक ना। तो इसके लिए देखिए हमने आपको ये बताया भी था, एन ए बराबर अगर पी है ना, समूच ए में अगर अवयवों की संख्या पी हो और बी में क्यू हो तो एन ए क्रॉस बी में कितना होता है, अवयवों की संख्या पी क्यू होती है, और संबंधों की संख्या हो जाएगी ए क्रॉस बी के उप समुच्चयों की संख्या। और वो कैसे निकलती है, तो ये होगा 2 के घात PQ, ठीक ना। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 8 हो गया। एक अंतिम कुछ प्रश्न बचा उसको देखेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 9 में है, मान लीजिए R बराबर A B इस प्रकार हैं कि A और B अवयव हैं Z, और लिखा है A माइनस B एक पूर्णांक है द्वारा परिभाषित एक संबंध है। तो देखिए इसमें रिलेशन क्या दिया हुआ है, R जेड टू जेड दिया हुआ है, ठीक ना। तो ये हो गया, जेड क्या होता है, पूर्णांक संख्या को दिखाता है। तो इसमें आर के प्रांत और परिसर ज्ञात करना है, ठीक ना। तो देखिए अगर हम देखिए ए और बी का अंतर हमको पूर्णांक ज्ञात करना है, और ए बी दोनों पूर्णांक ही हैं, तो हमको मालूम है किसी भी पूर्णांकों को अगर हम घटाएँ है ना, कोई भी 2 पूर्णांक अगर हम घटाएँगे तो हमको आंसर पूर्णांक ही प्राप्त होता है, ठीक ना। जैसे अगर -7 को अगर हम इसमें 5 में घटाएं तो देखिए -12 आया, वो भी एक पूर्णांक होता है। यदि हम 7 को 5 से घटाएं तो 2 प्राप्त हुआ, ये भी पूर्णांक होता है। यदि -5 को अगर 7 से हल करें तो ये 2, ये भी पूर्णांक हो गया। तो कोई भी 2 पूर्णांक को अगर हम हल करें, माइनस करें, तो उसका आंसर भी पूर्णांक ही प्राप्त होता है। इस प्रकार अगर हम इसको आर को लिखेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, देखिए क्या निकालना है इसका, R के प्रांत निकालना है। तो देखिए प्रांत लिखेंगे तो प्रांत क्या हो जाएगा, ये जेड हो जाएगा, ठीक ना। सभी पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय हो जाएगा, और परिसर तो परिसर भी हमको पूर्णांक ही प्राप्त होगा, है ना, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय हो जाएगा। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 9 भी हल हो गया। अब देखिए प्रश्नावली समाप्त हो गई।